ਬੱਦਲ ਕਰਦੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ ਜਨਾਬ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਕ ਤੇ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਮੇਰੇ ਰਬਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਛੱਤੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀਣੇ ਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਚਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਆਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਨੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਖਾ ਲਾ ਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਨਾ ਤੱਤੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਮੈਂ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਸੱਤੀਆਂ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਰੂ ਹੁਣ ਪੀਣ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਭਿੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ
entry. When you are a cinematographer, then what you experience, nobody else. The ambience. Comparison. The expression. The recording. Enjoying the whole experience of the IMAX, which is looks like that. चलो 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 वेट कर रहा है booster seat cushions are available at this cinema. Please contact the door manager for assistance. Boom, boom, boom. भाई कौन सी है बता जल्दी से मुझे मुझे पीछे बैठते थे आपके लिए कॉर्नर में और ये रही होल स्क्रीन और पुलिस का इंतजार करना पड़ेगा जी नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी भी औपचारिकता के लिए रुके बिना सबसे पहले घायल व्यक्ति का इलाज किया जाएगा घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले का नाम पता बताना अनिवार्य नहीं है ठीक कह रहे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये किया आसान जान बचाने वाला न हो परेशान आज का पांच साफ सफाई के बिना यहां पर क्या Mega cinematic. I have my assistant director who shoots my video for kids, which is really so great. अभी भी हम लोगों ने Oppenheimer देखी है, जो कि ओह आप भी हैं। अरे वाह, आपने introduction तो दे दी है, आप आ गए। Introduction बहुत जरूरी है। So, Oppenheimer अभी भी हम लोगों ने देखी। वाकई बहुत ही कमाल की मूवी थी जो अभी अभी हम लोगों ने देखी है ऐसी मूवी आप लोगों को हमेशा देखने नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसी मूवी से क्रिस्टोफर नोलन बनाता है दैट्स फाइन और दूसरी चीज़ हाँ ये कोई मूवी नहीं थी ये एक बायोग्राफी थी बायोग्राफी कह सकते हैं ना एक बायोपिक बायोपिक तो थी हाँ एक बायोपिक थी जो कि थी ओपेनहाइमर की उनकी लाइफ और इसमें हर एस्पेक्ट को नहीं दिखाया गया इसमें सिर्फ कुछ एस्पेक्ट को दिखाया गया और इसमें बहुत इंस्पायरिंग चीज़ थी जो कि हमारे इंडिया से थी वो थी भगवद गीता यस जिसके कुछ कोट्स उन्होंने यूज़ किए थे ना यस उसके लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल थे हाँ और ज़्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए ना ही इतनी ज़्यादा डिटेल टेक्निकल नॉलेज है जो मैं आपको बता सकूँ तो अब चलते हैं फिर कभी कोई और एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा